लाखों भक्तों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। हिंदू धर्म में इस यात्रा का काफी ज्यादा महत्व है। हर साल बसंत पंचमी के दिन चारों धामों की यात्रा के कपाट खुलने की घोषणा की जाती है। बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। चारधाम यात्रा में आज हम आपको केदारनाथ बद्रीनाथ से जुड़े उन दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनसे आप आज तक अनजान थे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि चारधाम यात्रा में कौन कौन से तीर्थ स्थल आते हैं। चार धाम यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड के गंगोत्री यमुनोत्री धाम से होती है, जहां माँ गंगा और यमुना विराजमान है। इस यात्रा में केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं। इसे छोटी चार धाम यात्रा भी कहा जाता है। दूसरा धाम जगन्नाथपुरी, जो ओडिशा के पुरी में समुद्र किनारे बसी है। ये धाम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसमें इस भगवान श्री कृष्ण बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। हर साल आषाढ़ माह में यहाँ पर एक यात्रा निकाली जाती है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तीसरा धाम है रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में है। ये धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि वनवास के दिनों में भगवान राम ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम रामेश्वरम पड़ा। चौथा और आखिरी धाम है द्वारिका, जो गुजरात में समुद्र किनारे है। द्वारिका को भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। माना जाता है कि भगवान कृष्ण के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई, लेकिन वर्तमान में उसके दो अवशेष है, बेट द्वारिका और गोमती द्वारिका। अब बात चारधाम यात्रा में हिमालय में बसे बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की, जहाँ इस बार रिकॉर्ड तो रजिस्ट्रेशन हुआ है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के अनुसार केदारनाथ यात्रा के लिए इस बार 7,41,000 से ज्यादा, जबकि बद्रीनाथ के लिए 7,38,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं गंगोत्री के लिए 38 लाख और यमुनोत्री के लिए 33 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और पंच केदार में से एक है। इसका इतिहास भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार और पांडवों से जुड़ा है। माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं और 9वीं शताब्दी में इस धाम का जीर्णोद्धार करवाया था। हिमालय की गोद में बसे होने के कारण ये सर्दियों के मौसम में करीब 6 महीने तक बंद रहता है। गर्मी का मौसम आने पर इसे खोल दिया जाता है। इससे जुड़ी कई मान्यताएं भी है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार बद्री वन में भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतार में से एक नर नारायण प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और नर नारायण को वरदान मांगने को कहा। नर नारायण ने प्रार्थना करते हुए शिव जी को हमेशा के लिए यही बस जाने को कहा, ताकि भक्त आसानी से उनके दर्शन कर सके। भगवान शिव ने उनकी बात मान ली, जिसके बाद ये जगह केदार क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुई। एक मान्यता और है कि महाभारत के समय शिव जी ने पांडवों को बैल रूप में यहीं पर दर्शन दिए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पांडवों की तपस्या के बाद जब शिव जी ने उन्हें बैल रूप में दर्शन दिए, तब पांडवों ने उन्हें यहीं बसने को कहा। भोलेनाथ बैल के रूप में वहीं बैठ गए और स्थापित हो गए। यही कारण है कि यहाँ शिवलिंग बैल के पीठ के आकार में है। केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा भैरव जी करते हैं। उनका मंदिर भी केदारनाथ धाम के पास है। वही यहाँ के क्षेत्रपाल भी है। यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर जाने वाले भैरव बाबा के दर्शन जरूर करते हैं। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद होता है। जब पुजारी वहां दीप जलाकर धाम के कपाट बंद करते हैं, जब 6 महीने बाद कपाट खुलता है तो दीप जलता हुआ मिलता है। अब बात बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। ये मंदिर भगवान विष्णु का है। आदिकाल से ही इस जगह को पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थल माना गया है। इसे दूसरा बैकुंठ भी कहते हैं। बद्रीनाथ को लेकर एक कहावत भी प्रचलित है, जो आए बद्री वो ना आए ओद्री। इसका मतलब है कि जो एक बार बद्रीनाथ जी के दर्शन कर ले, उसे बार बार उदर यानी कि पेट में नहीं आना पड़ता। मतलब जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, मोक्ष को प्राप्त हो जाना। दिवाली के दूसरे दिन यानी कि पड़वा पर इसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब यहाँ देवता पूजा करने आते हैं। मान्यता ये भी है कि सतयुग में भगवान विष्णु का यहाँ साक्षात दर्शन होता था। त्रेता युग में केवल देवताओं और साधुओं को ही भगवान दर्शन देते थे। अगर आप भी इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वैसे बता दें कि मई महीने की बुकिंग फुल हो चुकी है। मैं हूं हिमानी श्रोत्रिय। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।